स्वागत है आप लोग का बैहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग टैक्स में कैपिटल गेन निकालना सीखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है। एक आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन है आपके बुक का, डॉक्टर एस सी मल्होत्रा का बुक का। पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। साथ में मैं समझाते भी जाऊँगा, तो अच्छी तरीके से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एक निर्धारिती यानी एस एस सी ए है, जिसने मई 2006 में 5000 के कुल अंकित मूल्य 500 शेयर 8,540 रुपीज़ में खरीदे थे, और उन्हें 2018 मई में उनकी उसी कंपनी से 10 प्रत्येक मूल्य के 100 बोनस शेयर प्राप्त हुए। उन्होंने मूल शेयर बेच दिए, कितना में, 60,000 में 500 शेयर जो थे उन्होंने खरीदे थे ना, ये 500 शेयर इसको बेच दिए, ठीक है। आकलन वर्ष जो है 19-20 है, तो असेसमेंट ईयर 19-20 का ये क्वेश्चन है, बट क्योंकि पुराना बुक है तो जो दिया है अब जो है आप लोग का असेसमेंट ईयर हो सकता है 23-24 हो 24-25, जब भी आप देख रहे हो एच पर, जब आप देख रहे हो तो उसी हिसाब से जो ईयर आपका होगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो इनकी जो है पूंजीगत लाभ की गणना करने में, ठीक है। तो एस एस सी है, इन्होंने क्या किया, परचेज किया है, 500 शेयर परचेज किए हैं जिसका फेस वैल्यू 5000 है। कितना मतलब 500 जो शेयर खरीदे हैं उसका वैल्यू कितना है, 8,540, ठीक है। ये 5000 तो फेस वैल्यू है, तो भैया वैल्यू कितना है, 8,540 हम इसको मार्क कर देंगे। मई 2006 में इन्होंने खरीदा और इनको 100 रुपये का 100 बोनस शेयर भी मिले 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, इन मई 2018 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सोल्ड कर दिया 500 शेयर, जो 500 शेयर खरीदा था उसको बेच दिया। कब बेचा सर, 18 में बेचा है, 2018 में, कितना, 60,000 रुपये में। तो बोलता है इसका कैपिटल गेन निकालो, ठीक है, कैपिटल गेन निकालो। तो देखो कैपिटल गेन सर किस पे, कैपिटल गेन क्या होता है भाई, अगर मान लो आप किसी शेयर को खरीदते हो, शेयर को बेचते हो, तो उससे जो इनकम होता है उसको कैपिटल गेन के अंदर में, जो इनकम अंदर हेड कैपिटल गेन माना जाता है। अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हो, आज से 10 साल पहले आपने कोई ज़मीन खरीदा, उसको आज बेच देते हो, तो उससे जो इनकम होती है ना भाई, उसको कैपिटल गेन का इनकम माना जाता है। समझ में आया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहा जाता है, उसके अंदर आपको टैक्स देना होता है, ठीक है, वहाँ जो भी इनकम हुई है। तो इस जस्ट लाइक इट सिंपल है कि भैया मान लीजिए इस क्वेश्चन में शेयर का बात हो रहा है, तो शेयर जितना मैं बेचा उसमें घटा दो जितना मैं शेयर खरीदा, तो जो इनकम आएगी ना वो क्या है, कैपिटल गेन है। समझ में आया, शेयर मान लो जितना मैं खरीदा यानी कि सॉरी शेयर जितना मैं बेचा यानी सेल में अगर कॉस्ट घटा दे जितना मैं खरीदे थे, तो आज जो प्रॉफिट है वो हमारे प्रॉफिट जो हाथ में उसको क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। इतना समझ में आया, तो है कुछ नहीं, बट वही है कि भैया जब आपने खरीदा आज से, जैसे कि आज अपन 2018 में, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन 19-20 का बना रहे हैं, ठीक है, 19-20, तो आज अपन ने 18 में जो है इस शेयर को बेच दिया, तो भैया बेचा तो खरीदा कब था, खरीदा 2006 में था, 2006 में खरीदे तो 2006 में खरीदे मान लो कितना में खरीदे, 8,540, तो आज अगर उसका वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है बढ़ गया होगा, क्योंकि भैया पैसे का वैल्यू बढ़ते रहता है, ठीक है। अगर आप 10 साल पहले कोई शेयर खरीदे थे 8,000 में, तो आज उसका वैल्यू 8,000 नहीं होगा, आज उसका वैल्यू 8,000 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया, बस यही खेला। आप सोचोगे कि सर कैपिटल गेन निकालना है, तो सर क्यों ना 60,000 में से 8,540 घटा देते हैं, जितना आंसर इनकम आएगा वही कैपिटल गेन होगा। भाई 8,540 आप घटा देते हो, आपने 60,000 में से घटाना, ये बात सही बोला, लेकिन भैया 8,540 समय के साथ वो बढ़ रहा होगा ना, आज उसका वैल्यू बढ़ रहा होगा। उसके लिए हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन इंडिकेट, एक इन्फ्लेशन रेट होता है जो हमें दिया गया, इन्फ्लेशन दिया गया भाई, इन्फ्लेशन मतलब तो महंगाई, क्योंकि महंगाई जो है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो इनकम का जो मनी का जो वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है, तो हमें वो भी निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए 2006 जब आप खरीदे थे तब का इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, एंड जब बेच रहे हो उस ईयर का जो है इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, और मैंने ये लिख दिया है। आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो उसके लिए 348 होगा, बट मैं जो पढ़ाऊँगा आपको इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्व कराऊँगा असेसमेंट ईयर 19-20 के हिसाब से, ठीक है, बस बता दिया हूँ। अब एग्जाम में अगर आपको ये सब दिया रहेगा, इसको आपको याद नहीं करना, ये जो है एग्जाम में दिया रहेगा, बट अभी आपका जो है असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो उसके लिए इन्फ्लेशन रेट क्या है, इन्फ्लेशन 348 रुपया, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 60,000 रुपये में घटाएंगे, लेकिन क्या घटाएंगे, इसको जो है इस वैल्यू को आज की वैल्यू पे लेके आएंगे। समझ में आया, ये 8,540 2006 का पैसा है, उसको आज की वैल्यू पे लाना होगा, वो हम सीख लेंगे, जो निकलेगा उसको घटा देंगे किसमें, 60,000 में। आओ देखते हैं,
अच्छा एक बात बताओ, एक बात तो बोलना भूल ही गया भाई, कि ये शेयर खरीदे थे 2006 में, बेच रहे हैं 2018 में, तो ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्या बोलती पब्लिक? ये जो है लॉन्ग टर्म, क्यों? क्योंकि भैया शेयर जो है अगर 1 साल से ज़्यादा साल तक आप होल्ड करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है, अगर 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाएगा इन केस ऑफ शेयर। समझ में आया किस तरीके से लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है? तो ये देखो, सेल ऑफ शेयर एज वी नो दैट हमने सेल किया पहले, कितना इजी है निकालना भाई। सेल में जो है घटा दो कॉस्ट को, सेल में जब कॉस्ट को घटा दोगे तो आपका जो है कैपिटल गेन निकल आएगा। बट मेन जो है ये कॉस्ट जो है सर, वो कॉस्ट को आज की वैल्यू पे लाना, यही तो मेन मुश्किल का है, सबसे डिफिकल्ट टास्क यही है कि भाई उस कॉस्ट को आज से 10 साल पहले हमने शेयर खरीदा, उस शेयर को हमने 8,000 रुपये में खरीदा, लेकिन क्या आज भी उसकी वैल्यू 8,000 है? नहीं, उसको आज के वैल्यू पर लाना होगा। तो सेल समझ में आया ना? सेल समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेल हमने लिख दिया 60,000 रुपये। इंडेक्स, इंडेक्स क्यों लिखा सर? इंडेक्स मतलब हुआ कि भैया पिछले उस पैसे को आज की वैल्यू पे ला रहे हैं, इसलिए उसको इंडेक्सेशन कहते हैं, ठीक है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब भाई जब शेयर खरीदा तो उसका पैसा, ठीक है? तो इसके लिए हमने क्या किया, वर्किंग नोट 1 बनाया है, आओ देखते हैं। ये देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स फॉर द ईयर एसेस सोल्ड, यानी उस साल का इंडेक्स लो जिस साल एसेस को बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और उस और बटे बटे इंडेक्स फॉर ईयर एसेस पर से उस साल का इंडेक्स लो जिस साल एसेस खरीद रहे हो, यानी कि बेच रहे हो उसको ऊपर लिखने का और खरीद रहे हो उसको नीचे लिखने का। इतना समझ में आया कि नहीं? जिस साल एसेस बेच रहे हो, एसेस को बेच रहे हो, तो उस साल का जो इंडेक्स का जो कॉस्ट है उसको ऊपर लिखने का, बटे जिस साल एसेस खरीदा था उसका इंडेक्स का कॉस्ट नीचे लिखने का। समझ में आया? यस सर। तो अब क्वेश्चन में आओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 8,540 रुपया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 5,000 रुपया लिखा हुआ है। भाई ये 5,000 रुपया फेस वैल्यू है, दिस इज अ फेस वैल्यू, पैसा तो ये है 8,540, क्योंकि शेयर खरीदे तो ऑब्वियस सी बात है 500 शेयर है, उसको 10 से गुना करेंगे तो 5,000 फेस वैल्यू होगा। बट वी हैव टू व्हाट, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रुपया, कितना आपने जब उस शेयर को खरीदा तो आपने कितना रुपया पे किया, आपने पे किया है 8,540। तो हम नीचे आएंगे और हमने लिख दिया 8,540, दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको गुना करने का। अब किससे गुना करने का? तो भैया इंडेक्स एसेस सोल्ड, ऊपर एसेस सोल्ड आएगा, नीचे एसेस परचेज आएगा। तो एसेस सोल्ड कब कर रहे हो, आ जाओ, एसेस सोल्ड कब कर रहे हैं सर? ये 2018 में बेच रहे हैं, यानी कि 18-19 में बेच रहे हो, सही है? एसेस कौन सा प्रीवियस ईयर है? 18-19 में बेच रहे हो, ठीक है? क्योंकि 1/6/2018 कहाँ पड़ेगा, 18-19 के बीच में पड़ रहा है ना, 18-19। तो देखो यहाँ पर नीचे लिखा 18-19 का आपको इंडेक्स दिया हुआ है 280 रुपया। तो अपन आएंगे और अपन ने ये देखो 280 रुपया ऊपर लिख दिया। अब एसएस परचेज कब किए थे परचेज सर? 2006 में परचेज किए थे कि नहीं? यस सर, मई 2006 में। तो 2006 का कितना दिया है, 6/7 का कितना दिया, 122। तो 122 को हमने क्या किया, नीचे लिख दिया। ये देखो 122 को नीचे लिख दिया और ये आ गया आपका, ये असली वैल्यू है, ये है आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकल गया 19,600। यानी कि आपने 2006 में जो शेयर खरीदा था उसको खरीदा था 8,540 में, लेकिन आज के डेट में उस शेयर की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो। आज के डेट में मतलब क्या समझे? आज की डेट में ये मत समझना कि मैं 2023 का क्वेश्चन बना रहा हूँ, आज की डेट में नहीं, ये समझ लेना 2018, ठीक है, 2018 में। क्योंकि अगर आप 23-24 के हिसाब से बना रहे हो ना, अगर आप 23-24 के हिसाब से बना रहे हो तो ऊपर में 348 लिख के बनाना। एसएस सोल्ड, अगर क्वेश्चन को अमेंड कर दे, मैं अमेंड कर दूँ, अगर मैं बोल दूँ कि भैया मैंने एसएस को बेचा 2023 में, तो 2023 में बेचा तो यानी सोल्ड में यहाँ पर क्या दे देते, आज का 2023 में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसको हम लिखते, यानी कि हम क्या लिखते, 348, ठीक है? तो यहाँ आप अगर एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में 2023 का बनाना होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 300 348, ठीक है? बट ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन समझ लोगे, फिर उसमें 2023 लिख दो, 24 लिख दो, एज पर जो भी
इन्फ्लेशन रेट होगा हर साल चेंज होते रहता है, इन्फ्लेशन रेट हर साल एक जैसा नहीं रहता है और क्वेश्चन आपको देगा। तो बस आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई जिस साल हम बेच रहे हैं उस साल का इन्फ्लेशन रेट क्या करेंगे, लिख देंगे। कोई दिमाग में मगजमारी मत करना कि भाई सर ने बताया 2018 को, अब एग्जाम में 23 आ गया, तो भाई 23 आ गया तो 23 में बेच रहे हो तो 23 का इन्फ्लेशन रेट लिख दे, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो इसको जो खरीदे और आज जो है 2018 में इसका वैल्यू कितना है, 19,600। तो हम लोग आएंगे और इसको 19,600 को घटाएंगे, ठीक है। ये देखो 19,600 घटाएंगे तो सेल कर रहे हैं 60,000 में, तो आज के डेट में हम खड़े हैं तो 19,600 का शेयर है, उसको 60,000 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 40,400, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? यस सर। नीचे मैंने एक नोट दिया है, ठीक है, और एग्जाम में देख के आना। इन केस ऑफ शेयर, इफ शेयर हेल्ड मोर देन वन ईयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हिंदी में ये लिखेंगे कि भैया अगर शेयर को एक साल से ज़्यादा तक हम होल्ड करके रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, नहीं तो अन्यथा क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी कि अगर एक साल के अंदर अंदर अगर शेयर को बेच देंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर एक साल के ज़्यादा होल्ड करेंगे, दो साल में बेचे, एक साल से ज़्यादा देर तक रखे हैं, दिन तक रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में तो भाई 2006 से लेकर 18 तक होल्ड किया है, तो समझ सकते हो बहुत ज़्यादा साल है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसीलिए हमने यह क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट्स नॉट अ कैपिटल गेन का इनकम, इट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन यही है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि 8,540 घटा दे, नहीं भाई 8,540 2006 में था, आज उसका वैल्यू क्या है, तो उसको आज की वैल्यू पे लाएंगे। तो कैसे लाया जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को गुना करो इंडेक्स से, इंडेक्स का कौन सा रेट, एसएस सोल्ड ऊपर आएगा, एसएस जिस साल परचेज किए उसको नीचे लिख देने का। समझ में आया, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपके बुक का क्वेश्चन है, और बुक का क्वेश्चन है तो वीवीआई रहता ही है, बुक के क्वेश्चन से नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक है। और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सबका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर मान लो आज की डेट की मैं बात करूं कि भाई सर 8,540 का ये शेयर है, ठीक है, इसको आपने बोला कि भाई 18 पे तो उसका वैल्यू निकाल लिया, आज मेरे को इस पे वैल्यू निकाल के बताओ, आज की डेट पे 23 में हम बेचें, मेरा मन है भाई मैं 23 में बेचना चाहता हूँ, मैंने 2006 में एक शेयर खरीदा लेकिन मैं अब इसको 2023 में बेचना चाहता हूँ, 2023 में बेचना चाहता हूँ या फिर 24 में बेचना, बात तो वही है ना भैया। अब मान लो कि आज मान लो 30 मार्च समझो, तो वो कौन सा ईयर में पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है 2023 में मान लो मैं बेचना चाहता हूँ, मान लो मैं 5 अगस्त 2023, तो वो एसएस वो प्रीवियस ईयर किस में आ गया, 23-24 में आ गया, तो 23-24 में जब वो आया तो उसका जो है इन्फ्लेशन रेट 348 है, तो मैं उसको बेचूँगा 348। तो यहाँ बस करना कुछ नहीं भाई, ऐसे सोल्ड किए ना तो इसको काटो और यहाँ पर लिख दो 348, तो ये ऑब्वियस सी बात है, समझ, तो चेंज हो जाएगा, फिर जो आता है उसको यहाँ पर घटा दो। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको इन्फ्लेशन रेट जो भी दिया है भाई जिस साल बेचोगे उस साल का इन्फ्लेशन चिपका देना, ठीक है। तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।